जैसा कि लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स, ह्यूमन एंड एनिमल्स में क्या होता है कि एक प्रॉपर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है। प्लांट्स में प्रॉपर सर्कुलेटरी सिस्टम या ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो नहीं होता, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो है वो जाइलम एंड फ्लोएम वेसल्स होती हैं, जो क्या करती हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फूड। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू लीव थ्रू जाइलम टिशू। अगर हम जाइलम वेसल्स की बात करें या जाइलम टिशू की बात करें, तो जाइलम वेसल्स और टिशूज का फंक्शन क्या है, ये ट्रांसपोर्ट करती हैं किस चीज़ की, वाटर की और मिनरल की, कहाँ से, रूट्स से लीव्स तक। फ्लोइम ट्रांसपोर्ट प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट्स, ऑल अदर पार्ट्स। अगर हम फ्लोइम वेसल्स की या फ्लोइम टिशू की बात करें, तो फ्लोइम टिशू और फ्लोइम वेसल्स क्या करेंगी, ये ट्रांसपोर्ट करेंगी किस चीज़ की, प्रिपेयर्ड फूड की, किस तरफ, लीव से टू ऑल पार्ट्स ऑफ दी प्लांट, प्लांट्स के हर पार्ट की तरफ क्या चीज़ ट्रांसपोर्ट करेंगी, प्रिपेयर्ड फूड। अगर आप पिक्चर में देखो तो आपको फ्लोइम और जाइलम वेसल्स दिखाई दिए। अब जाइलम वेसल्स क्या कर रही हैं, ये ट्रांसपोर्ट कर रही हैं वाटर और मिनरल्स को फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। और अगर हम फ्लोइम वेसल्स की बात करें, तो फ्लोइम वेसल्स क्या कर रही हैं, ये प्रिपेयर्ड फूड को ट्रांसपोर्ट कर रही हैं फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ दी प्लांट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन प्लांट्स थ्रू रूट्स। अगर हम प्लांट्स के स्ट्रक्चर की बात करें, तो प्लांट्स के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, रूट्स हैं, स्टेम है, लीव्स है, फ्लावर्स हैं, ठीक है। द वाटर एंटर द प्लांट बॉडी थ्रू इट्स रूट। अब वाटर जो है वो प्लांट्स की बॉडी में एंटर कैसे होगा, थ्रू इट्स रूट्स। देर आर थाउजेंड्स ऑफ रूट हेयर्स ऑन ईच रूट। अब रूट्स पर क्या होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं और ये बहुत ज़्यादा होते हैं, दीज आर कॉल्ड रूट हेयर्स। वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल फ्रॉम द सॉइल एब्जॉर्ब इन टू रूट हेयर बाय डिफ्यूजन। अब होता क्या है कि हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि जो आपके पास वाटर और डिजॉल्व मिनरल्स हैं, वो जाइलम वेसल्स के थ्रू प्लांट्स बॉडी में ट्रांसपोर्ट होते हैं। अब ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन हो कैसे रहे हैं, वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल एब्जॉर्ब इन टू रूट हेयर बाय डिफ्यूजन। कौन सा प्रोसेस हो रहा है, डिफ्यूजन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है, द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम वेयर इट इज लार्जर अमाउंट टू वेयर इट इज स्मॉलर अमाउंट। यानी होगा क्या कि कोई भी सब्सटेंस अगर किसी हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव कर रही है, तो वो क्या है, डिफ्यूजन। अब अगर आप पिक्चर में देखो तो आपको दिखाया गया कि एक तरफ बहुत ज़्यादा जो है वो मॉलिक्यूल्स हैं, कंसेंट्रेशन मॉलिक्यूल्स की बहुत ज़्यादा हाई है, और दूसरी तरफ क्या है, मॉलिक्यूल्स की कंसेंट्रेशन जो है वो कम है। अब होगा क्या, डिफ्यूजन में मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मूव करेंगे हायर कंसेंट्रेशन से टूवर्ड्स दी लोअर कंसेंट्रेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। अगर आप पिक्चर में देखो तो आपको प्लांट दिखाया गया है जिसकी रूट्स हैं, और रूट्स के ऊपर क्या है, टाइनी हेयर्स, दीज आर कॉल्ड रूट हेयर्स। अब रूट हेयर्स का फंक्शन क्या है, रूट हेयर्स एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। सॉइल से क्या चीज़ ले रहे हैं, क्या चीज़ एब्जॉर्ब कर रहे हैं, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स।